सभी को नमस्कार। आज की कहानी दो बैलों की कथा और प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। इसमें पशुओं का भावनात्मक संबंध यानी आपस में जो उनका संबंध है वह, और साथ ही समाज में पशुओं के साथ लोगों के भावनात्मक संबंध जो हैं वह दर्शाए गए हैं। साथ ही इस कहानी की शिक्षा की बात करें तो अगर यह है कि स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना होता है। पाठ के अनुसार जानवरों में गधे को मूर्ख समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि उसमें ऋषि मुनियों के जैसे गुण समाहित हैं, फिर भी लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं। लेखक जो है गधे के भीतर जो गुण है, हर समय उसका जो निरापद वो रहता है, कभी क्रोध नहीं करता है, इस गुण को वह आदर का प्रतीक मानता है, यानी कहता है कि उसका आदर करना चाहिए जबकि लोग उसका अनादर करते हैं। लेखक कहता है कि गधे का एक छोटा भाई भी है और वह है बैल। कुछ लोग बैल को मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है और वह कई बार अपना असंतोष जो है वह बता देता है, इसलिए बैल का स्थान गधे से भी नीचा है। बात कहानी की करते हैं तो झुरी काछी नाम के व्यक्ति के पास हीरा और मोती दो बैल हैं। दोनों ही पछाई जाति के हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं और डील में काफ़ी ऊँचे हैं। साथ में रहते रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो जाता है। दोनों आमने सामने बैठ कर के मूक भाषा में एक दूसरे से बात किया करते थे, यानी कि इशारों की भाषा में। जिस वक्त दोनों बैल हलिया गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते और दोनों की ये कोशिश होती कि एक दूसरे की गर्दन पर कम बोझ आए। लेखक कहता है कि एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया और संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए थे। नया घर, नया गांव, नए इंसान, उन्हें सब बेगाने से लग रहे थे और इसका परिणाम क्या आया कि दोनों ने रस्सी तोड़ करके झूरी के पास दोनों वापस आ गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और वहां पर उसे अच्छा खाना खिलाता है दोनों बैलों को। दोनों बैल बहुत खुश होते हैं, लेकिन झूरी की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। उसे पसंद नहीं आता है कि वो वापस आ गए हैं और वह कहती है कि कैसे नमक हराम बैल हैं, एक ही दिन में भाग करके वापस आ गए। झूरी जो है दोनों बैलों के पक्ष में बात करता है कि नमक हराम क्यों हैं, दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते, इसलिए भाग करके आ गए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आता है और बैलों को लेकर के चला जाता है। इस बार दोनों बैलों को गाड़ी में जोत दिया जाता है। कई बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की पर हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि वह मोती की अपेक्षा ज़्यादा सहनशील है। दोनों बैलों को दिन भर खूब पीटा गया, अपमान किया गया और सिर्फ सूखा खाना खिलाया गया। दूसरे दिन बैलों को हल में जोता गया लेकिन दोनों ने एक पाँव भी नहीं उठाया। वह मारते मारते थक गया लेकिन उन्होंने अपना पांव नहीं उठाया और इस प्रकार से दोनों बैलों पर काफ़ी अत्याचार होते रहे। सूखा खाना उन्हें दिया गया। वहाँ एक छोटी सी लड़की रहती थी और वह हर दिन दोनों बैलों को दो रोटियाँ डाल जाती थी। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे आत्मीय लगाव हो गया था, उससे उन्हें लगाव हो गया था, क्योंकि उसकी माँ तो थी नहीं तो बैलों को खाना खिला देती थी। एक बार जब बालिका रोटियाँ खिलाकर चली गई तो दोनों बैलों ने रस्सी तोड़ करके उसे चबा करके तोड़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए और गेट खोल करके वह लड़की आई। फिर दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे और लड़की ने दोनों के माथे सहलाकर बोला, खोल देती हूँ, चुपचाप भाग जाओ। तो उसने बैलों की रस्सी को खोल दिया और दोनों बैल जो है भाग गए। बैलों के पीछे पीछे गया और गांव के लोग भी पीछे भागे लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर का रास्ता वे भूल गए थे और एक उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया और उन्हें मटर खाने शुरू कर दिए। वहाँ पर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ, दोनों ने हिम्मत करके सांड से लड़ाई भी की। कुछ समय बाद खेत का मालिक और गांव के लोग आकर के उन्हें पकड़ के कांजी होंस में बंद कर देते हैं। कांजी होंस में और भी जानवर थे, सबकी हालत जो है बहुत ही ख़राब थी।
हीरा मोती दिन भर भूखे प्यासे थे और रात को भी उन्हें खाना नहीं मिला, तो उनके मन में विद्रोह आ गया और एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया, इसलिए वह भाग नहीं पा रहा था। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह भी नहीं भागा। और कांजी हंस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब पिटाई की और उसे मोती को रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हंस के मालिक ने दोनों को कसाई के हाथों बेच दिया और जब वो कसाई उन्हें ले जाने लग गया तो दोनों जो है उन्हें बड़ा डर सा लगा, क्योंकि दड़ियल जो था यानी कसाई जो था थोड़ा भी उनकी चाल धीमी हो जाती थी तो एक डंडा जोर से जमा देता था। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि रास्ता उन्हें याद आ गया झुरी के घर का, और वही खेत वही बाग उसे दिखाई दे गई। तो बैलों में जो था सारी थकान उनकी दूर हो गई क्योंकि उन्हें उनका जाना पहचाना रास्ता दिखाई दे गया था, और दोनों झुरी के द्वार पर भाग करके फिर से आकर के खड़े हो गए। झुरी को बैल जैसे ही दिखे वह दौड़ा और बारी बारी से दोनों को गले लगा लिया। अचानक दड़ियल ने आकर के बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा कि वे तो उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तब मोती ने दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर पश्चात नांदों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा होकर के दोनों को सहला रहा था और लड़के तमाशा देख रहे थे। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। मालकिन भी अब खुश थी। दो बैलों की कथा का उद्देश्य अगर की इसकी बात करें या कहानी की शिक्षा की बात करें तो हमें स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए और अपने नैतिक मूल्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। हीरा और मोती ने भी अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए हर कष्ट सहा और अंत में उनकी जीत हुई। यह शिक्षा हमें कहानी से मिलती है। इसके प्रश्न बता रही हूँ कुछ मैं। कांजी हंस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में दोस्ती थी? ये सब आपको पाठ में समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज़ मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है सभी प्रश्नों के उत्तर का, आप वहाँ से नोट डाउन करके नोट्स भी बना सकते हो। और अगर आपको अमेजन से कुछ ख़रीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां जा करके कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। ई बुक और पेपर बैक बुक्स भी आप ले सकते हैं, मैंने उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिया है लिंक।